गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू वाराणसी की, बात करेंगे इसके स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, बात करेंगे। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आपका कट ऑफ जो होता है एडमिशन के समय आपका कितना कट ऑफ गया, बच्चे अक्सर इसमें परेशान होते हैं कि पिछले साल का कट ऑफ कितना गया और कितने मार्क्स पे आपका एडमिशन 2020 में आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल में होगा। स्पेशली आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के कट ऑफ की, बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि 2020 में एक्सपेक्टेड आपके कट ऑफ कितने जा सकते हैं, इसकी बात करेंगे। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये स्पेशली आपका क्लास 9th के रिगार्डिंग वीडियो होने वाला है। अगर आप किसी और क्लास से बिलोंग करते हैं तो आप वीडियो सेक्शन की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को चेक कर लीजिएगा, आपके लिए वीडियो पहले से ही अवेलेबल, उसको आप देख लीजिएगा। अगर आप बॉयस एस्पिरेंट से, अगर आप छात्र हैं सेंट्रल हिंदू बॉयस स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो पहले ही अवेलेबल, उसको चेक कीजिए वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमच्छा वाराणसी की, बात करेंगे 2017 की कट ऑफ की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है आपका सेट 2017, एसईटी का पूरा नाम क्या होता है पहले इसकी बात कर लेते हैं। एसईटी का पूरा नाम होता है स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 2017, कट ऑफ मार्क्स फॉर एडमिशन इन सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल बीएचयू कमच्छा वाराणसी की बात की जा रही। अगर हम बात करें जनरल स्टूडेंट की तो जनरल में ही आपके ओबीसी और साथ में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस कोटे को मेंशन किया जाता है। आपको ओबीसी और साथ में ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, आरक्षण आपको नहीं मिलेगा, आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। और यहाँ पे आपका लिखा है डेट ऑफ काउंसलिंग, इसमें आपकी मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट आपको देख पा रहे हैं। तो अगर हम मेन लिस्ट की बात करें तो मेन लिस्ट वह लिस्ट होता है जिसपे आपके बच्चे की एडमिशन कंफर्मेशन है, स्टूडेंट का एडमिशन कंफर्म है कि आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल में हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका एडमिशन सेचेस स्कूल में हो जाएगा अगर आप मेन लिस्ट से बिलोंग करते हैं। अगर आपका लिस्ट जो है वेटिंग लिस्ट में नंबर आता है, या बोल सकते हैं कि आपके एडमिशन की कंफर्मेशन थोड़ी कम है या नहीं भी हो सकती है एडमिशन, इस बात का केयर कीजिएगा। अगर आप मेन लिस्ट में हैं तो सेफ जोन में हैं और वेटिंग लिस्ट में हैं तो आप सेफ जोन में नहीं हैं, इस बात का केयर कीजिएगा। तो इसके लिए प्रिपरेशन को एक अच्छे मोड में कीजिए। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 2020 में केवल आपको 20 सीट मिल रहे हैं, गर्ल्स एस्पिरेंट्स के लिए केवल आपकी 20 सीट है गर्ल्स आपके स्कूल में, तो थोड़ा सा कंपटीशन आपका टफ होने वाला है, तो एक अच्छे फॉर्म में प्रिपेयर कीजिए। हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की, 2017 के कट ऑफ की बात कर रहे हैं। जनरल स्टूडेंट की बात करें तो आपकी मेन लिस्ट में 79 कट ऑफ और वेटिंग लिस्ट में आपके 73 कट ऑफ। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की तो मेन लिस्ट में आपके 69 और वेटिंग लिस्ट में आपके 57 कट ऑफ। अगर हम बात करें एसटी स्टूडेंट की तो मेन लिस्ट में आपके 64 और वेटिंग लिस्ट में आपके 48। नेक्स्ट वन इसमें आपके पीसी की बात करें, पीसी का मतलब होता है फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिजिकल चैलेंज बच्चे जो विकलांग वर्ग से आते हैं उनकी बात की जा रही, तो मेन लिस्ट में सीटों की संख्या अवेलेबल नहीं है। इनके सीटों की संख्या आपकी अवेलेबल होती है आपके विकलांग वर्ग में, तो उसको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। नेक्स्ट वन इसमें आते हैं बीएचयू जनरल। अब बीएचयू जनरल की क्या बात है, इसमें बीएचयू जनरल क्यों लिखा हुआ है? अगर हम इसकी बात करें तो जो आपके बीएचयू के एम्प्लॉय होते हैं उसकी बात की जा रही है कि वो जनरल कैटेगरी में इनका कट ऑफ बहुत ही कम जाता है और एडमिशन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, इस बात का केयर कीजिएगा कि अगर आप नॉन बीएचयू एम्प्लॉय हैं तो आप थोड़ा सा एक अच्छे आप फॉर्म में प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि कि आपके चांसेस थोड़े कम है एडमिशन के, क्योंकि कि कट ऑफ जो है आपका हाई जा रहा है, 79 आपका कट ऑफ है। अगर बीएचयू जनरल की बात करें तो 41 पे ही एडमिशन हो जा रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इस बात का केयर कीजिएगा, एक अच्छे फॉर्म में आप प्रिपेयर कीजिए। अगर हम मेन लिस्ट की बात करें तो 41 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट की बात करें तो 33 मार्क्स। अगर हम बात करें बीएचयू एससी की तो मेन लिस्ट में आपके 23 मार्क्स केवल और वेटिंग लिस्ट में 23 से नीचे वाले जितने भी बच्चे हैं उनको वेटिंग लिस्ट की तरह कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन इसमें आपके बीएचयू एसटी की बात करें तो मेन लिस्ट में आपके 27 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में जितने भी बच्चे 27 से नीचे हैं उनको आपका
वेटिंग लिस्ट में कंसीडर किया जाएगा। और लास्ट वन, इसी तरह HUPC की बात करें, अगर सीटों की संख्या अवेलेबल होती है तो उसको मेन लिस्ट में आपका रखा जाएगा। वेटिंग लिस्ट में आपके 33 मार्क्स दिखा रहे हैं। एक बात का आपको केयर करने वाली चीज़ है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है और सीटों की संख्या आपकी कम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं HU जनरल में आपका एडमिशन 41 मार्क्स पे ही हो जा रहा है। अगर आप HU नॉन एम्प्लॉई हैं तो आपका एडमिशन के लिए 79 मार्क्स लाना पड़ेगा। तो एक अच्छे फॉर्म में आपको स्टडी मटेरियल रेफर करने की ज़रूरत है। अपनी स्टडी को एक अच्छे फॉर्म में आप प्रिपेयर कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस कीजिए। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि प्रीवियस ईयर पेपर आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से चेकआउट कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको पैसे नहीं पे करने हैं, उसको वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे यहाँ के टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट या स्टडी मटेरियल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो मेरे यहाँ की स्टडी मटेरियल आपके बनाए जाते हैं, वो आपके पूरे सिलेबस के एनालिसिस करने के बाद जो आपके कंसाइज फॉर्म में मटेरियल होते हैं उसको प्रोवाइड कराए जाते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है आपका 8795553272 8795553272 नेक्स्ट वन इसमें आता है आपका सेट 2018 की कट ऑफ की बात करें, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमच्छा वाराणसी की बात की जा रही है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या सर पेपर आपका सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल का और सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल का डिफरेंट आएगा? तो जी नहीं, आपका पेपर सेम रहे, एंट्रेंस पेपर आपका सेम रहने वाला है। आपके सेट डिफरेंट हो सकते हैं। सेट का मतलब हो गया कि आपके क्वेश्चन की अरेंजमेंट जो होते हैं वह डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन पेपर का आपका जो क्वेश्चन रहेगा सभी आपके सेम रहेंगे। या आप सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो या गर्ल्स स्कूल की प्रिपरेशन कर रही। नेक्स्ट वन इसमें आता है 2018 के कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ मार्क्स फॉर एडमिशन इन सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल HU कमच्छा वाराणसी। जनरल स्टूडेंट की बात करें तो मेन लिस्ट में आपके 67 कट ऑफ और आपके वेटिंग लिस्ट में 63 कट ऑफ। अगर हम बात करें SC स्टूडेंट की तो मेन लिस्ट में आपके 61 कट ऑफ और वेटिंग लिस्ट में आपके 52 कट ऑफ। नेक्स्ट वन इसमें ST स्टूडेंट की बात करें तो मेन लिस्ट में आपके 55 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में आपके 45 मार्क्स। नेक्स्ट वन इसमें आपके PC स्टूडेंट की बात करें, फिजिकल चैलेंज बच्चों की बात करें तो मेन लिस्ट में आपके 49 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में आपके 33 मार्क्स। नेक्स्ट वन इसमें आपके HU जनरल की बात करें तो मेन लिस्ट में आपके 33 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में सीटों की संख्या अवेलेबल नहीं है, इसलिए वेटिंग लिस्ट में आपके नॉट अवेलेबल या नेल सीट शो कर रहा है। नेक्स्ट वन इसमें आपके HU SC की बात करें तो मेन लिस्ट में आपके जितने भी आपके स्टूडेंट जितने भी मार्क्स पाए हैं उनको आपको मेन लिस्ट में रखा गया है, जो आपके टॉप रैंक्स बोल सकते हैं या बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा नंबर जिन्होंने गेन किया है उनका एडमिशन आपका हो जाएगा HU SC में। नेक्स्ट वन इसमें HU ST की बात करें तो मेन लिस्ट में आपके 31 मार्क्स और आपके वेटिंग लिस्ट में जितने बच्चे आपके 31 से नीचे हैं उनको वेटिंग लिस्ट में आपकी कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट इसमें आपके HU PC की बात करें, फिजिकल हैंडीकैप्ड की बात करें, फिजिकल चैलेंज बच्चों की बात करें तो मेन लिस्ट में आपके 33 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में सीटों की संख्या अवेलेबल नहीं होने के कारण सीटों की संख्या आपकी शो नहीं कर रहा है। लास्ट वन इसमें आपकी 2019 की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे आपका जैसा कि देख पा रहे हैं फुल फॉर्म लिख दिया है, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट SET 2019 कट ऑफ मार्क्स फॉर एडमिशन इन सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल HU कमच्छा वाराणसी। जनरल स्टूडेंट की बात करें तो मेन लिस्ट में आपके 69 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में आपके 62 मार्क्स। SC स्टूडेंट की बात करें तो मेन लिस्ट में आपके 62 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में आपके 48 मार्क्स। नेक्स्ट वन इसमें आपके ST की बात करें तो मेन लिस्ट में आपके 50 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में आपके 36 मार्क्स। नेक्स्ट वन इसमें आता है PC की बात करें तो मेन लिस्ट में आपके 52 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में आपके 25 मार्क्स। और लास्ट वन आता है HU कैटेगरी की बात करें तो HU जनरल में आपके मेन लिस्ट में आपके 35 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में आपके 33 मार्क्स। और आपका नेक्स्ट वन HU SC की बात करें तो सीटों की संख्या अवेलेबल नहीं है, और अगर आपकी अवेलेबल होती है तो आपको वेटिंग लिस्ट में 25 मार्क्स शो कर रहा है, और आपके HU ST और PC में सीटों की संख्या अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आपके मार्क्स नहीं शो कर पा रहे हैं। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आपके 20 सीट केवल हैं 2020 के लिए, तो एक अच्छे फॉर्म में आप प्रिपरेशन कीजिए। खास करके स्टडी मटेरियल को आप बार बार चेंज ना कीजिए, जो भी आप बुक को
रेफ़र कर रहे हो उसको एक अच्छे फॉर्म में रेफ़र कीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस आपकी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको वहाँ से आप चेक कीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बताई गई हैं, उसको फॉलो कीजिए उस प्रोसीजर को। और साथ में हम बात करते हैं 2020 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, गर्ल्स एस्पिरेंट्स की बात कर रहे हैं, बॉयज़ का पहले से कट ऑफ मैंने आपका प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया गया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगर हम जनरल स्टूडेंट की बात करें तो जैसा कि आपका COVID-19 पेंडेमिक चल रहा है और जिन बच्चों को एग्जामिनेशन के तुरंत बाद आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन करा लिए जाते थे, आपके अप्रैल मई के मंथ में आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन करा लिए जाते थे, लेकिन इस बार आपके पेंडेमिक के कारण और लगातार आपके एग्जामिनेशन जो हैं पोस्टपोन भी हो रहे हैं, उसकी डेट भी आपकी कन्फर्मेशन नहीं हो पा रही है। तो जैसा कि हम बता दें कि जो बच्चे एक अच्छे फॉर्म में प्रिपरेशन नहीं कर पाते थे अपने एग्जामिनेशन के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी अलग अलग आपकी प्रॉब्लम होती थी समय न मिलने के कारण, लेकिन 2020 में बच्चों ने एक अच्छे फॉर्म में प्रिपरेशन किया है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि कट ऑफ आपके इंक्रीमेंट हो सकते हैं। अगर हम बात करें जनरल स्टूडेंट की, तो नियर अबाउट आपका कट ऑफ जो जाने वाला है 78 से 80 मार्क्स के बीच जाने वाला है। अगर हम वेटिंग लिस्ट की बात करें तो आपके 66 से लेके 70 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। अगर हम बात करें ऐसे स्टूडेंट की, तो मेन लिस्ट में आपके 64 से 70 मार्क्स तक रहने वाले हैं और वेटिंग लिस्ट में आपके 56 से 60 तक आने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट वन, इसमें आपकी एसटी की बात करें तो मेन लिस्ट में आपके नियर अबाउट 60 मार्क्स रहने वाले हैं और वेटिंग लिस्ट में आपके 44 से लेके 48 तक आने की पॉसिबिलिटी है। और नेक्स्ट वन इसमें आता है आपके पीसी की बात करें, फिजिकल चैलेंज बच्चों की बात करें, तो इनका जो आपके मेन लिस्ट में नियर अबाउट आपका मार्क्स रहने वाला है 58 से लेके 63 मार्क्स तक रहने वाला है और वेटिंग लिस्ट में आपके 36 मार्क्स तक आने की पॉसिबिलिटी है। और आपके बीचू एम्प्लॉय की बात करें जनरल स्टूडेंट की, तो इनका मेन लिस्ट में जो आपका मार्क्स रहने वाला है 46 मार्क्स रहने वाला है और वेटिंग लिस्ट में आपके 39 से लेके 42 तक आ सकता है। अगर हम बात करें बीचू एससी की, तो नियर अबाउट आपके 36 मार्क्स तक मेन लिस्ट में आने की पॉसिबिलिटी है। बीचू एससी एसटी और पीसी की बात करें तो आपके 36 तक आने की पॉसिबिलिटी है। यह थे आपके 2020 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि हम बता दें कि अगर आप मेरे यहाँ की स्टडी मटेरियल है मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। नंबर है आपका 8795553272 87955532। इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। एक अच्छे फॉर्म में प्रिपेयर कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस कीजिए, एक अच्छे स्टडी मटेरियल को फॉलो कीजिए, बुक को फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे यहाँ के मॉक टेस्ट से ज्वाइन करें, मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह आपके अल्टरनेट रिसोर्सेस हैं, लेकिन आपके जो मेरे यहाँ के मॉक टेस्ट से थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपके मेन एग्जामिनेशन में उस तरीके के क्वेश्चन आने की। और दूसरी बात यह कि एक अच्छे फॉर्म में आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की, क्योंकि कंपटीशन टफ है और सीटों की संख्या बहुत ही कम है। जी हाँ, बहुत ही कम है। तो आप एक अच्छे फॉर्म में प्रिपरेशन कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद जय भारत।